वही कोरोना के एपी सेंटर बन चुका कोटा शहर, और वहां से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक और संदिग्ध में जांच के बाद कोरोना की पुष्टि हुई है, नव संक्रमित भी बताया जा रहा होमगार्ड जवान। कोटा शहर में अब 108 तक पहुंच चुका है संक्रमितों का आंकड़ा, यानी कि कोरोना पॉजिटिव 108 हो चुके हैं। एक दिन में एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड पॉजिटिव पाया गया, यानी कि जो वॉरियर्स आपकी सुरक्षा के लिए लड़ रही थी, 24 घंटे तैनात थे, अब उनके ऊपर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वो फिर भी नहीं घबराएंगे, सवाल यह है कि आप कितने लापरवाह हो जाएंगे, क्या अभी भी आप लापरवाह बने रहेंगे, या फिर जो लॉकडाउन है उनके नियमों के, उनके निर्देशों की पालना करेंगे। क्योंकि अगर आप निर्देशों की पालना कर रहे हैं तो फिर हमारे कोरोना वॉरियर्स को कोरोना छू भी नहीं सकता। मेरे सहयोगी भंवर आचरण मेरे साथ जुड़ चुके। भंवर, बेहद अफसोस खबर, क्योंकि जो अभी तक कोरोना के खिलाफ लड़ रहे थे, अब वो भी इसकी जद में, और उसके पीछे की लापरवाही शायद हम लोगों की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, क्योंकि जो माँ कर्फ्यू वाला मकबरा इलाका है, वहां पर लोगों को लॉकडाउन की पालना कराने में, उनको सड़कों पर निकलने से रोकने में खासी मशक्कत वहां पर पुलिसकर्मियों को करनी पड़ रही है। और दुर्भाग्य से उसी मशक्कत के दौरान ये जो हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स जो है, उनमें से पहले एक पुलिस हेड कॉन्स्टेबल पॉजिटिव पाया गया, और कुछ देर बाद ही हम फिर से दुर्भाग्यपूर्ण खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि उसी थाने में कार्यरत एक होमगार्ड जवान भी पॉजिटिव पाया गया है। और इस होमगार्ड जवान को लेकर एक और जानकारी यह है विजेंद्र कि कल ही मोखापाड़ा में एक महिला पॉजिटिव पाई गई थी, ये उसी महिला का पति है। यानी कि कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स की जो चैन है वो एक बार फिर से चलनी शुरू हो गई है। और मैं आपको फिर से बताऊं कि जो दोनों हेड कांस्टेबल और होमगार्ड जवान जो पॉजिटिव आएंगे, ये दोनों ही मकबरा थाना इलाके से हैं, और मकबरा थाना इलाका फिलहाल महा कर्फ्यू वाला इलाका है। तो कुल मिलाकर कोटा में जो तादाद है विजेंद्र, वो बढ़कर 108 तक पहुंच चुकी है। एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्या रैपिड टेस्ट किट के जरिए सैंपलिंग हुई है? जी देखिए, ये रैपिड टेस्ट किट से सैंपलिंग नहीं हुई है, ये सैंपलिंग कंफर्मेटिव टेस्ट उनका हुआ है, उसमें ये पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी ये कंफर्म तौर पर ये पॉजिटिव हैं। रैपिड टेस्ट में केवल स्क्रीनिंग देखी जाती है उनकी पॉजिटिव है या नहीं है, उसको कंफर्म करने के लिए। अच्छा, पूरे थाने को क्वारंटाइन कर दिया गया? जी हाँ बिल्कुल, एसपी गौरव यादव ने फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए कहा है कि पूरे मकबरा थाने को हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, और थाना का जितना भी स्टाफ है सारे स्टाफ के कोरोना नमूने लेकर उनका कोरोना टेस्ट करवाया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम।